और आर्टिकल 14 को फॉलो करते हुए जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, तो ये कैसी समानता है कि आपने बीएड अपीयरिंग को तो मौका दिया है लेकिन सीटेड जुलाई अपीयरिंग को मौका नहीं दिया है। लोग जो है आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि एक इतिहास बन जाएगा। हम लोग एक जुलाई में जो सीटेड है उसको आयोजन किया जाए और उसमें हम अपीयरिंग किया जाए। नहीं होगी तो क्या कीजिएगा, हम रोड पर उतर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सीटेट के अपेयरिंग अभ्यर्थी, आपको बता दें कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली लाई गई है उस नियमावली के विरोध में आज एक बार फिर से ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अब बताइए क्या दिक्कत हुई आप लोगों को? जी, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है, मैं नवादा से हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ आयुमेल बिहार स्टेट का और दिल्ली का यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से बीएड अपीयरिंग को आपने मौका दिया है बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का, उसी तरह उसी आधार पर और आर्टिकल 14 को फॉलो करते हुए जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, तो ये कैसी समानता है कि आपने बीएड अपीयरिंग को तो मौका दिया है लेकिन सीटेट जुलाई अपीयरिंग को मौका नहीं दिया है? ये आर्टिकल 14 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। गए थे शिक्षा मंत्री कार्यालय पे, क्या कुछ बात हुई बताइए? जी, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पे लिख के दे देता हूँ, अपर मुख्य सचिव के नाम से उन्होंने लिख के दे दिया कि आप जो है नियम के हिसाब से काम करें। क्या काम करें ये तो समझ में नहीं आता, सिर्फ सांत्वना देने के लिए कि हम लोग शांत हो जाएं, अपने तरह से लिख के दे दिया। लेकिन इन सारे लोगों से, चाहे अपर मुख्य सचिव हो, शिक्षा मंत्री हो, आज क्यों इकट्ठा हुआ ये बताइए, आज क्यों इकट्ठा हुआ? आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी और अपनी बात जो है सरकार तक, तेजस्वी यादव महोदय और नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश उम्मीद है। देखिए, उम्मीद तो है, अगर नीतीश कुमार जी चाह लेंगे ठीक है तो बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप क्या रणनीति होगी आगे की, अगर सरकार आप लोग की बातें नहीं सुनती है तो? क्योंकि अभी जाम फोरम भी बनाने वाला है जी। अगर हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि एक इतिहास बन जाएगा। मतलब मानिएगा नहीं? जी बिल्कुल नहीं। आप बताइए कहाँ से हैं? जहानाबाद से हैं सर। बहुत 10 दिन से हम इधर उधर परेशान हो रहे हैं, बार बार आते हैं, खाना पीना का भी बहुत टेंशन रहता है, कैसे कैसे करके आ रहे हैं हम लोग। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग नई नियमावली के? नए नियम का ये विरोध कर रहे हैं कि अथी गवर्नमेंट चाहते ही नहीं है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब इसमें शामिल किया जाए, बहुत कम मात्रा में लोगों को शामिल करके और फिर सोचते हैं कि 2025 तक हम इसको ले जाएं और लोगों को मतलब कम ही वैकेंसी को इसमें एडजस्ट करें और फिर आगे। मतलब खुश नहीं हैं आप लोग? हाँ नहीं। क्या मांग करते हैं बताइए? मांग कर रहे हैं कि हम लोग सीटेट जो जुलाई वाले हैं उनको बीपीएससी में अपीयरिंग ये फॉर्म भरने दिया जाए। करते ही बताइए मांग। हम लोग एक जुलाई में जो सीटेट है उसको आयोजन किया जाए और उसमें हम अपीयरिंग किया। नहीं होगी तो क्या कीजिएगा, हम रोड पर उतर जाएंगे। रोड पर उतर जाएंगे एकदम रोड से? पहले भी आप लोग कई बार उतर चुके हैं? हाँ उतर चुके, चूंकि बिहार की मंशा नहीं है बहाली करने का, बिहार का स्थिति पूरा चौपट कर दिया है, कह रहा है गुणवत्ता शिक्षा लाएंगे, क्या गुणवत्ता, यही शिक्षा का गुणवत्ता शिक्षा परेशान किया जा रहा है, पूरा परेशान कर दिया जा रहा है, पूरा परेशान कर दिया जा रहा है, पूरा विद्यार्थियों के शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पूरा परेशानी कर दिया जा रहा है पूरा बिहार में। आप बताइए कहाँ से हैं? हम सुपौल से आए हैं जी। मतलब आप लोग नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं एक तरफ, मतलब सरकार का कहना है देखिए बीएड डीएलएड का अपीयरिंग को मौका दे दिया है तो सीटेट को क्यों नहीं देगा ये बताइए। और देखिए हम लोग 6-8 में भी मतलब पास हैं, 1-5 में नहीं है, तो कम से कम मौका दीजिए, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1-5 में भी जो है मौका दीजिए, अपीयरिंग को मौका दीजिए। देखिए और भी कुछ लोग हमें लोग से बातें करें, बताइए उस दिन आप लोग शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर चले गए थे, आज आप लोग फिर गांधी मूर्ति के नीचे इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए बताइए? सर जिस तरह बीएड अटेस्टेस को सर अपीयरिंग किया उसी तरह सीटेट अटेस्टेस को अपीयरिंग कीजिए। आप बोल रहे हैं कि शैक्षणिक क्या होता है, पात्रता क्या होता है, दोनों का एक दूसरे का रिलेशन है सर जी। उसके बिना वो नहीं, आप उसको अहर्ता के रूप में शामिल कीजिए। जब एक अहर्ता को अपीयरिंग किए तो दोनों अहर्ता को अपीयरिंग कीजिए, फिर एक ऐसा देने से क्या फायदा, जबकि मास लेवल में लड़का सीटेट के जुलाई वाला है, आप उसको सर अपीयरिंग दीजिए। क्यों मतलब क्यों ऐसे आप लोग के साथ किया जा रहा है ये बताइए? इसका अन्याय है ना सर, हम लोग भटकेंगे बीएड पास करके, और जो लड़का बीएड पास नहीं किया है वो फॉर्म भरेगा, और जो बीएड पास किया वो रोड पर भटकेगा। 6-8 में वैकेंसी नहीं दिए हैं, कम से कम अपीयरिंग कर दीजिएगा तो कम से कम वहाँ भी तो मौका मिल जाएगा सब लोग को, कि 1-5 बेचारा लेकर चल जाएगा। भरोसा है कि नहीं? अब भरोसा है कि नहीं नीतीश तेजस्वी सर? तेजस्वी भैया पर, नीतीश जी पर भरोसा है सर? आखिर एक और निगेटिव पॉइंट बताइए ना, काहे नहीं दीजिएगा? मेरा मांग जेनुइन है सर जी, एक और बताइए निगेटिव पॉइंट, इतना तनाशा कैसे कीजिएगा बताइए, कुछ होगा ना कारण नहीं देने का?
बताइए ना कि ये कारण है, ये शिक्षा मंत्री का मुँह चुप हो गया। हम उनको बोले कि सर एक को निगेटिव पॉइंट बताइए, क्यों नहीं दीजिएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो बोले सीएम करेंगे, हम उनको बोले कि शिक्षा विभाग क्यों बना जी? ये सब अधिकार आपका है। आप माननीय अतुल प्रसाद जी महोदय पीसी किए, पत्रकार महोदय भी उससे क्रॉस क्वेश्चन किए, क्या आप सीटेट को दीजिएगा, तो साफ साफ बोले हाँ। तो अतुल प्रसाद जी तो कोई नेता नहीं है कि जो मनसो बोल दिए, बार बार क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है कि सीटेट को दीजिएगा पेरिंग, तो साफ साफ बोले कि हाँ जितना तरह का हड़ताल होगा सीटेट जुलाई वाले को भी मिलेगा। आगे की रणनीति क्या होगी अगर आप लोग की सर आगे की रणनीति, आगे की रणनीति बात का बात है सर, लेकिन हम लोग को जो पीसी किए हैं तो बोलेंगे ना सर आखिर काहे ले दीजिएगा, आप तो खुद बोले हैं तो बोल के ले दीजिएगा, ऐसा अच्छा बात है सर? बताइए एक ही राज्य में दो व्यवहार कीजिएगा, एक ही राज्य में दो व्यवहार हो जाएगा सर? बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बहुत लड़का ऐसा 6 to 8 में पास है सर, कम से कम इसमें मौका दे दीजिएगा, 1 to 5 में तो भर देगा सर। आप लोग की मांगे नहीं पूरी है तो आगे क्या कीजिए सर? हम लोग गौर पढ़ रहे हैं सर, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर दे दीजिए, हम लोग शिक्षा के लिए बढ़ने जा रहे हैं सर, हम लोग उग्र आंदोलन नहीं करेंगे सर, हम लोग गौर पढ़ेंगे, शिक्षा के लिए बढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा का क्वालिटी होता है सर कि शांत पूर्वक जो भी अपना डिमांड उसको रखिए, हम जाके रखे रहे शिक्षा मंत्री के पास। अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है तेजस्वी भैया नीतीश जी से उम्मीद है सर कि कर देंगे, क्योंकि मेरा मांग जेन्युइन है सर, उनको एक को निगेटिव पॉइंट हम जान रहे हैं, अन्य जो एक निगेटिव पॉइंट है यदि रख दे तो हम नहीं मांगेंगे। चलिए आप लोग बताइए कहाँ से हैं? हम आरा जिला से हैं, आरा से हैं। तो क्या आप अगर आप लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो युवा के उम्मीद है एकदम कि मिल जाएगा। देखा मेरे साथ कुछ सीटेट के अपेयरिंग अभ्यर्थी थे, आपको बता दें कि इनका साफ कहना है कि जब बीएड अपेयरिंग को जब फॉर्म भरने दिया जा रहा है तो फिर सीटेट अपेयरिंग को क्यों नहीं, और इनका साफ साफ कहना है कि अभी भी हम लोग को तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर भरोसा है कि हम लोगों को मौका दिया जाएगा। और भी इन लोगों का क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा, बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।